व्हाट्सअप गाइज, हाल ही में चंद्रयान 3 लॉन्च हो चुका है और आज की वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि सीमा हैदर और चंद्रयान 3 दोनों से रिलेटेड है। टाइटल है सीमा हैदर और चंद्रयान ने पाकिस्तानियों की सूजाई। बिल्कुल सूझनी चाहिए भैया, वो है ना कि वो खुद तो कुछ करते नहीं है और दूसरों को देख के जलने वाली बात। और हाल ही में मामला आपने देखा है कि हनी ट्रैप भी करता रहता है वो, पता नहीं क्या क्या करता है वो देश। इतना दिमाग है लेकिन अपनी तरक्की में नहीं लगाना। बिल्कुल सही बात, गंदगी में करना है। देखते हैं वीडियो, ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। नाज़रीन, ये सच है कि तरक्की की दौड़ हमसे बहुत आगे है। सीमा हैदर, सीमा ठाकुर भी कह सकते हो और ठकरायन भी कह सकते हो, जो कि पबजी खेलते खेलते नोएडा के सचिन की मोहब्बत में भारत जा पहुंची है। तुझ में रब दिखता है, मुझे तो बहुत तगड़ी साजिश लगती है, बहुत क्या तगड़ी। करूं इंतहाई बाहयात 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 बाहयात। तुझ में रब दिखता है, उसको कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशन सारी कहते कि हदें पार कर दी, हवस की आग जलाई। अब क्या ये गलती थी? नहीं। या ये जान बूझ कर किया गया और वजह क्या थी? पता नहीं। और वो भी इस मुल्क में जो बना ही इस्लाम की बुनियाद पर हो। मुझे खुद इच्छा थी साड़ी पहनने की, मेरा अपना मन था कि मैं साड़ी पहनूं और इस तरह इनके लिए तैयार हूं। क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस किस्म के सोच और बहस की गुंजाइश है? पबजी बन गई लवजी। मगर इस वाक्य का जवाब नहीं होता इनके पास। जरा सोचिए, अगर ये वायरल ना होता और इस किस्म का मवाद जहनों में आइंदा भी डाला जाता रहता तो इसका नतीजा क्या निकलता? क्या हमारे मुआशरती जो इकदार हैं इसकी इजाजत देते हैं? क्या ऐसा कोई निजाम नहीं बनाया जा सकता साहब है उस पर कड़ी नजर भी रख सके? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। सीमा हैदर ने पाकिस्तानियों को बिलबिला के रख दिया है और फिजा खान तो इतना बौखला गई है कि चिल्ला चिल्ला कर अपना गला फाड़ लिया और धुआं उठ रहा है, क्योंकि धुआं तो वहीं से उठता है ना जहां आग लगी हो। तो चलिए आनंद लेते हैं फिजा के, मजा आएगा। पाकिस्तानियों का कहना है कि सीमा इंडियन एजेंट है और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए सारी साजिश की गई है। इंडियन एजेंट है और पाकिस्तान को डिफेम करने के लिए सारा प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। अरे सना, गांजा वांजा फूक के आई है क्या? डिफेम किया जाता है जिसकी कोई फेम हो। अरे पासपोर्ट की कितनी इज्जत होती है सबको पता है। कोई ठूकता नहीं है, कोई ठूकता नहीं है, कोई ठूकता नहीं है, कोई ठूकता नहीं है, ठूकता नहीं है, कोई ठूक, कोई ठूक, कोई ठूक, कोई ठूकता नहीं है पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर। आपने जब ये इज्जत है दुनिया में पाकिस्तानी पासपोर्ट की। वो सिर्फ एक बेवकूफ खातून है। इंडियन मीडिया है वो 24/7 इसी खबर के ऊपर काम कर रहे हैं। नो डाउट हम भी कर रहे हैं। इंडियन एंकर जो हैं वो पाकिस्तान पर बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान पर कीचड़ उछाल रहे हैं और पाकिस्तान को गंदा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को गंदा करने के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अरे यार, पाकिस्तान खुद बिचके हुए जिन्ना की सूखी लिंडी है, उससे गंदा और क्या गंदा कर सकता है पाकिस्तान को। पाकिस्तान में वो गैर महफूज थी इसलिए उसने लड़के को यहाँ बुलाने की बजाय वो खुद इंडिया चली गई, क्योंकि उसे इंडिया में अपना ब्राइट फ्यूचर नजर आ रहा था। सवाल तो उठता है ना, सवाल लात उठते हैं, सिर्फ सवाल है। तो दुनिया की सबसे जहरीली नागिन बताएगी कि 40% चांस। फिजा जरा सुनिएगा, अपनी नाक खुजा और शुरू हो जा। कि भूख की तड़प और कतारों में खड़े होकर हाथ फैलाने की जो जिल्लत है, ख्वारी है, वो क्या होती है? क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? बताओ क्यों यहाँ पर देने वाले कम और लेने वाले हाथ ज्यादा होते चले गए? कौन इसका जिम्मेदार है? किससे सवाल किया जाए? कौन देगा जवाब? मेरे जाने के बाद मुल्क की क्या माचुकी है? आपको महंगाई के हाथों इतना चोट गया है कि आप चिल्ला भी नहीं सकते हैं। ये क्या था? ओ भाई, गजब। मुल्क में मौशी बहरान है जिससे अवाम बराहे रास मुतासिर हो रही है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कौम से सस्ता आटा दिलवाने का एक वादा किया था अपने जज्बाती अंदाज। कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। कि अगर सस्ता आटा ना मिला तो अपने कपड़े बेचूंगा और अवाम को आटा दूंगा। लेकिन इस तकरीर का असर कुछ यूं हुआ कि कराची से खैबर तक गरीब को पेट भरना, तन ढापना मुश्किल हो गया। मुफ्त नहीं, क्या ये इसीलिए पैदा हुए हैं कि आप इनसे एक रोज वोट मांगे और फिर ये सारा साल आपसे मांगते रहे? वाह वाह, इंशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभानअल्लाह, अलहम्दुलिल्लाह, यो यो किट्टू भाई। सही रेट का जो आटा है वो भी कतारों में लग कर लेना पड़ा है। माए बहने बच्चे बुजुर्ग सड़कों पर बकायदा जलील हो रहे हैं। और जब ये जिल्लत हद से बाहर हुई तो इस जिल्लत से आजाद होकर दुनिया से कूच कर मायूसी के आलम में घर लौट जाते हैं बेचारे। फिजा तुम भी भारत आ जाओ, तुम्हारा भी घर वर डूब गया है, तुम तो बहुत लाचार हो। भारत आने की आप मुझे दावत दे रहे? आप लोगों ने तो टैलेंट की बसरत कायम कर दी। आप लोग तो फनकारों को आर्टिस्टों का जीना दुबर कर देते हैं। वहाँ पे जो चंद महीनों के लिए वहाँ काम करने जाते हैं, किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में जाते हैं,
आप किस तरह दावत दे सकते हैं किसी सहाफी को आए और भारत में जाके भारत को विजिट करें? अब देखते हैं 50% चांस जो कि ये ISI की एजेंट हो सकती है और वो बताएंगे हमारे मेजर सर। दो चार चीजें आपको बताना चाहता हूँ इसके मामले में, जो आप समझ लीजिए और ये चीज बड़ी खतरनाक है। सबसे पहले अपनी गलतियों से शुरू करते हैं। लोग यहाँ पे बड़े इमोशनल हो रहे हैं, वीर ज़ारा की फिल्म आ गई। ध्यान से मेरी बात सुनना, क्योंकि ये देश के आंतरिक सुरक्षा की बात। वो सनातनी हो गई, हिंदू हो गई, अब वो आ जाए यहाँ पे रह जाए। देश ऐसे नहीं चलता, पाकिस्तान ऐसे चल सकता है, भारत ऐसे नहीं चल सकता। आप लोगों की मानसिकता गलत है। वो हिंदू बने, वो मुसलमान बने, सिख बने, ईसाई बने, अगर गलत है तो गलत है तो गलत है, उठा के बाहर फेंको। कौन कहां पे कौन सा स्लीपर सेल चला रहा है आपको पता है इसके बारे में? बिल्कुल सही पता। नेपाल का जो बॉर्डर का गैप है, ये हमें पूरा करना पड़ेगा कि उसका भाई पाकिस्तानी आर्मी में हवलदार है और उसने बोला कि उसकी भर्ती 2022 में हुई थी, डायरेक्टली 2022 में, आज 2023 है, ये एक साल में हवलदार बन गया। मैं ये बात जानना चाहता हूं कि 2022 की भर्ती 2023 में हवलदार कैसे बन गया भाई? आप बात करेंगे, हो सकता है साहब किसी लेवल पर डायरेक्ट एंट्री होती है, किसी लेवल पर डायरेक्ट एंट्री होती है। वो कहती है कि नहीं, उसकी नौकरी अभी पक्की नहीं हुई है, वो टेम्पररी है। ये वो कहती है, ये कौन सी नौकरी है यार, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। अच्छा, दूसरी चीज आपने देखा है कि वो हिंदी कितनी बढ़िया बोलती है? वो हिंदी ऐसे बोलती है जैसे कोई भारतीय बोलता है। उर्दू और हिंदी बहुत मिलती जुलती है। अगर कोई उर्दू बोलेगा इंग्लिश भी ऐसे बोलती है, अगर कोई आप हिंदी बोलेंगे वो समझ सकते हैं, राइट? अगर पाकिस्तान में कोई है। लेकिन मैं आपको बात बताता हूँ, जो ये शब्द इस्तेमाल करती है, मेरा भाई पाकिस्तानी सेना में है, इसने फौज नहीं बोला, इसने सेना बोला। सेना एक टिपिकल हिंदी वर्ड है। ऐसे ये आप, मैंने तो, आप जरा छोटा सा देखिए जरा, उस रीति रिवाज के बारे में आप पहले से कितना जानती थी? क्या हिंदू रीति रिवाजों के बारे में सचिन ने आपको बताया था पहले? बिल्कुल बताया था, सात फेरों के बारे में। वैसे मैंने बहुत इंटरेस्ट रखा है इनकी, मतलब धर्म में। मैं वहां रह के भी यहां की चीजें, नवरात्रि हो, करवा चौथ हो, होली हो, ये सब इनके मनाते थे हम दोनों साथ में। हाँ, इन्होंने मेरी एक ईद मनाई थी मेरे साथ, जब हमारी शुरू बात हुई थी तो इन्होंने एक व्हाइट सूट सिलवाया था, उसके बाद इन्होंने मेरे को ईद नहीं मनाई। हाँ, मैंने इनके हर त्यौहार मनाए वहाँ रह के भी, मैं बरती भी रही हूँ। लगातार बोलती है, परफेक्ट हिंदी बोलती है। ये सचिन मीना चला गया वकील के पास और वकील को बता दिया ये पाकिस्तानी है, वरना पता भी नहीं, बाप को नहीं पता लगना था पाकिस्तानी इंडिया में आके बैठी है। मैं आपको बता रहा हूँ, इस लड़की के पास, इस बंदे के या इसके परिवार की कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे वो चाबी लगा रही और नाच रहा है। ये पबजी से प्यार हो गया, ये सब स्टोरी है। ये कैमरा से डरती नहीं है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े क्वालिफाइड लोग कैमरा के सामने कांपते हैं, गिरियाने लगते हैं, उनको पता ही नहीं लगता कि साला कैमरा के सामने बोलना क्या। ये बड़ी कॉन्फिडेंट है, ये बड़ी कॉन्फिडेंट है, जैसे किसी ने इसको बैठा के ट्रेन करा होगा। ये जिस तरीके से बोलती है, ऐसा लगता है किसी ने उसको लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी है। ये पूरा मामला फ्रॉड है और आंतरिक सुरक्षा का मामला है। मेरी तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है, इसको लात मार के वापस भेजो। शी इज पॉसिबली, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे कोई गारंटी है, मेरे पास कोई प्रूफ है, लेकिन शी इज वेरी पॉसिबली एन ISI प्लांट। गलती से एक्सपोज हो गई है और अब ये कवर अप ऑपरेशन अपना कर रही है। और स्लीपर सेल होता क्या? घुल मिल के रह जाए। स्लीपर सेल में कौन होता है? कोई पान वाला हो गया स्लीपर सेल में। उसने बोला कि मेरा नाम सीमा सनातनी है, हमने देखी है वीडियो पूरी, अब मैं वेजिटेरियन बन गई, ठीक है। इसकी अगर आप तफ्तीश करेंगे तो, अगर कोई प्रोफेशनल इससे अगर बातचीत करेगा और सुराग निकालने की कोशिश करेगा, तो आपको पता लगेगा कि इसकी स्टोरी में कितने छेद हैं। मैं तो प्रोफेशनल भी नहीं हूं, मैंने जल्दी से दो मिनट पहले सरकार को निकाला था वाली चीज। इंडियन गवर्नमेंट का हाथ इसमें अब कम है। अगर वो पहले ही पकड़ ली जाती, वो सचिन के साथ नहीं रह रही थी, सचिन शादी का क्लेम नहीं करता, तो वो बड़े आराम से उसको रिपेट्रिएट कर देते, हम जिसे कहते हैं डिपोर्ट करना। लेकिन अब दिक्कत ये हो गई है कि उसने सचिन से शादी कर, मैटर अब एग्जीक्यूटिव के हाथ में न जा करके, ये पुलिस के हाथ में न जा करके, ये चला गया है जुडिशरी के हाथ में। हमारे यहाँ सब जुडिस यानी कोर्ट में होता है, तो फिर एग्जीक्यूटिव के पास पावर नहीं होती है जब तक कोर्ट का ऑर्डर हो। मेरा ही मानना है कि उसको इतना तो हक मिलना चाहिए कि अगर वो किसी से प्यार करती है तो शादी कर ले, क्या दिक्कत है इसमें? इतना हो हल्ला क्या मचाना है इसके लिए? अगर वो होगी ISI की एजेंट, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपनी जांच पड़ताल करके भेज देगी, और अगर वो मान लीजिए नहीं होगी तो अपनी जिंदगी खुला बसर कर लेगी। भाई मैं सबसे पहले यही कहूंगा, अगेन टाइम एंड अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये किसी, कोई भी किसी भी हालत में ना भाई, ये जानते हुए कि आगे वाला कुछ नहीं काम करता है, और जब साफ बताया कि वो कोई जॉब नहीं करता, कुछ नहीं करता, आप एक देश, यहाँ पर स्टेट बदल के नहीं आई, वो देश छोड़ के आ गई। देखो मैं अपनी तरफ से एक छोटा सा बस भाई बोलूंगी, चार बच्चों की माँ इतनी तो समझदार होगी, उसको पता होगा कैसे चलता है। बोलूंगी ठीक है कि कोई भी ना, अगर आपको धर्म के नाम पे ऐसे कह रहा है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, जस्ट बिकॉज मैं आपके धर्म में आ गई हूँ तो मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे एक्सेप्ट कर लो, ये चीज में आपको कोई भी पागल बना। अब ये बोला ना कि मैं तो बिल्कुल सनातनी बन गई हूँ, सनातनी। एक बात बताओ, इसे छोड़ो, कल को कोई अगर टेररिस्ट भी आता है, वो कहता है जी मैं अब जो है, अब मैं सनातनी धर्म अपनाना चाहता हूँ और मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने इस्लाम छोड़ दिया है, वो उसे एक्सेप्ट कर लोगे? नहीं कर सकते। हाल ही में जो हनी ट्रैप वाला मामला, इसरो के साइंटिस्ट पकड़े, और ये चीज़ है। अगर मैं उसका, अगर आप लोग भी देखोगे ना, एक तरफ कह रही है कि मैं फिफ्थ तक पढ़ी हुई हूँ, और उसकी कॉन्वर्सेशन है, और जो उसका कॉन्फिडेंस है बात करने का मीडिया से, उसमें बहुत एकदम ऐसे बैठ के, और जो उसके हिंदी वर्ड, मुझे क्या लगता है इस, मुझे ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब सही है गलत है वो मुझे नहीं पता है। मुझे लगता है जैसे वहां पर पाकिस्तान में एक वीडियो देखी थी हमने, उसमें बताया गया था कि ISI किस तरीके से ट्रेन करती है लड़कियों को, प्रॉपर बजट होता है, बजट छोड़ उनको
पूरा ये सिखाया जाता है कैसे कवर स्टोरी करनी है, कैसे आपको हिंदी में बात करनी, नाम तक हिंदू रखा हुआ जाता है, हिंदू है और आसपास थोड़े से ना जो उनकी बॉडी लैंग्वेज होते हैं बात करने का तरीका, हिंदू भगवानों की हिंदू मतलब फोटोज वगैरह लगाई होती हैं थोड़ी सी कि ताकि अगर कोई देखे भी तो ऐसा लगे कि ये प्रॉपर मतलब हिंदू इनको प्रॉपर ग्रूम कर देते हैं। तो अब ये चीज देखो कि जैसे सर ने कहा कि वो फौज नहीं सेना वर्ड यूज कर रही है हर एक चीज, तो मुझे लगता है ट्रेनिंग में ये सब भी सिखाया गया होगा। और अब यहाँ पर वो ऐसे कह रही है कि इससे बात कर करके इसकी हिंदी इतनी अच्छी होगी, इतनी अच्छी नहीं हो सकती क्योंकि उसने बोला कि और मैं तो बढ़ती भी रहती, बढ़ती भाई मेरे मम्मी भी नहीं, जो पुराने गांव में औरतें होती थी ना बोलती थी आज तो बढ़ती हूँ मैं, कल तो बढ़ती थी। ये भाई मुझे फिर भी यही है कि गवर्नमेंट सबसे पहले डिसीजन ले तहकीकात करके, लेकिन मुझे बहुत ही वो डाउटफुल लगता है ये, मुझे सच्चा प्यार कहीं से एंगल से लगता है भाई। सच्चे प्यार में यार कोई भी लड़की होगी जो मैं कह रहा हूँ 17-18 साल की, 18-19-20-21 कॉलेज वाली भी होगी ना, वो फिर भी कह सकते प्यार में पागल हो गई, अंधा प्यार हो गया, वो चलेगी आशिकी में, फिर भी वो स्टेट कर सकती है, इंटरकास्ट कर सकती है। यहाँ पर देश लांग के चार बच्चों की माँ जिसकी बताई जा रही उम्र कागजों के हिसाब से तो 21 भाई बताइए, 21 साल की बता रही हूँ, कुछ को चार बच्चे हैं और एजुकेशन 5th तक है, वो पहले दुबई जाती है, कुछ नहीं करता नहीं, वो पहले दुबई जाती है फिर घर भी बेच देती है। और इसने बिल्कुल शुरू का मुझे इंटरव्यू आया, इसने बोला था कि मैं बलूचिस्तान के एक छोटे से गाँव से हूँ जहाँ कोई मतलब वहाँ पे तो ऐसे ही चलता है कि मार वार देते हैं, वहाँ ऐसा भी नहीं है क्योंकि शहरों में थोड़ा बहुत होता होगा, लेकिन मैं तो प्रॉपर वैसे इतने प्रॉपर वैसे गाँव से है वो, अगर तो उसका वो ना वी आर जस्ट उस टाइम पे हम जस्ट फ्रेंड्स थे और क्या बोला था कि आई रियली लाइक इट, जो यहाँ की औरतें सिंदूर भरते आई रियली लाइक इट, तो उस टाइम की 5th की पढ़ी हुई बंदी इंडिया में ना पता है क्या देखो रहती है। बहुत सारे लोगों को हम देख रहे हैं जो ना बहुत वो हो रहे हैं कि ये तो बहुत ही भाई पिक्चर नहीं चल रही है, पिक्चर नहीं चल रही, तो इसमें वन साइडेड लेके मत चलो, दोनों पहलू रखो, क्या पता ये इत्तफाक हो प्यारी हो, लेकिन मेन ये है कि यहाँ पर गड़बड़ ज्यादा। एक चीज बताते हो, आधे लोग ना खाली इस चीज से खुश हो गए कि उसने अपना धर्म जो है वो हिंदू बना, हिंदू कर लिया से, इस चीज में ना अच्छी बात, लेकिन इस चीज को ना किसी भी सामने वाले बंदे को इतना लाइटली मत दो, अरे कोई नहीं फिर पता है क्या होगा धीरे धीरे कोई भी आएगा, अरे कोई नहीं एक बार हिंदू बन जाओ, कितनी बार ऐसा हुआ है कि स्लीपर सेल की तरह रहते हैं धर्म बदल के आम लोगों की तरह, तो आप उस चीज में नहीं जज कर सकते। और वही मैं कहूंगा होता है ना उसका कोई धर्म, मुझे ये मुझे बहुत फेकनेस लग रही है, मुझे बहुत ब्लैंड लग रहा है, आप लोग कुछ भी बोल सकते हो आपकी थिंकिंग है, लेकिन हमारी जो थिंकिंग है हमें जो लगता है वो प्रॉपर फेक लग रहा है सब कुछ, बहुत बातों का तरीका है। कैमरे के सामने कॉन्फिडेंस लेवल इतनी ओवर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस अलग होता है जो उसके वर्ड जिस तरह एक है ऐसे आम आदमी दूसरे स्टेट में चल जाता है वहीं वो थोड़ा सा घबरा सा रहता है, ये तो पाकिस्तान से इंडिया में आ गई, बातें करने का तरीका देख लो आप, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप बता देना, जितना हो सके वीडियो कर दे शेयर लाइक, बाय बाय टेक केयर।